मोस्टली सब कुछ इजी होता है जैसे ही मैं आपको मैगी बोलूं तो आपके दिमाग में वो येलो पैकेट आएगी वैसे ही मैं स्विगी बोलूं तो आप स्विगी डिलीवरी पर्सन के बारे में सोचेंगे पर कभी कभी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जैसे कि मैं अगर आपको विंडोज़ बोलूं, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो आप खिड़की का सोचेंगे या फिर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचेंगे ऐसा ही कुछ जूर स्पूडेंट्स के साथ भी है स्टूडेंट्स इससे रिलेट नहीं कर पाते और इसीलिए उन्हें ये सब्जेक्ट टफ लगता है बट डोंट वरी इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली जूर स्टूडेंट्स क्या होता है हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियो दैट आई एम स्टार्टिंग एट माई चैनल फॉर अदर लॉ रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल अब जूरस को अच्छे से जानने के लिए चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है जूरस एक लैटिन टर्म है जो डिराइव किया गया है वर्ड जूरस से इस वर्ड में ज़ूरिस का मतलब है लॉ और प्रोडेंशिया का मतलब है नॉलेज या स्किल तो अगर साथ में देखें तो इस वर्ड का मतलब है स्किल या फिर नॉलेज ऑफ लॉ अब जुरुस्प्रूडेंस से हमें कुछ बातें क्लियर होती है जैसे कि वॉट इज़ लॉ वाई टू स्टडी लॉ सोर्सेज ऑफ लॉ एंड अप्रोचेस ऑफ लॉ अब यह भी जान लीजिए कि जुरुस्प्रूडेंस कोई पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं है ये एक एज अ होल मतलब ये एक थ्योरी की तरह है जिसे हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स लॉ तो जूरस में हमने बेसिकली ये सारे थ्योरी से डील करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी ओनरशिप पनिशमेंट लाइबिलिटी राइट्स ऑब्लिगेशंस, मोरालिटी जस्टिस एक्सेट्रा ये सभी कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के लिए सेम है पर इसमें लोकली कुछ माइनर चेंजेस ला कर किया जाता है मतलब कंट्री अपने नीड्स के हिसाब से इस थ्योरी को माइनर चेंजेस ला के अप्लाई करती है तो अब तक हमने ये जाना कि जूरसप्रूडेंस एक कॉमन सब्जेक्ट है जो हमें लॉ एज अ सब्जेक्ट को समझाने में हेल्प करती है अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को देख लेते हैं तो ये सारे डेफिनेशन्स जूर के डिफरेंट ज़ूरिस ने दिए हैं। मैं यहाँ पे इन्हें बस रीड कर रही हूँ और आगे की वीडियोस में इन्हें एक एक कर कर डिटेल्स में समझेंगे पर डोंट दिस डोंट एंड दिस वीडियो हेयर ओनली क्योंकि इसके बाद मैं कुछ इंपॉटेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जूरस प्रोडेंस की जो आप सभी को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है तो सबसे पहला डेफिनेशन है ऑस्टिन का जो बात करता है फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ वहीं सालमन बोलते हैं कि इट इज़ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ होलैंड फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ वेराज ग्रे बोलते हैं कि जूरस प्रोडेंस इज साइंस ऑफ लॉ dealing विद स्टेटमेंट एंड systematic अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड by codes एंड प्रिंसिपल्स evolved इन those लॉज और भी बहुत सारे जूरस्ट हैं जिन्होंने अपना डेफिनेशन दिया जैसे कि क्लार्क जो बोलते हैं कि इट इज़ साइंस ऑफ लॉ इन जनरल वही बीगल बोलते हैं इट इज़ द साइंस ऑफ जस्टिस अल्पेन का मानना है कि द नॉलेज ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड डिवाइन पावर एंड ऑल्सो जूरस प्रोडेंस इज साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट और सबसे लास्ट है पेटन का जिन्होंने बोला था कि जूर स्प्रूडेंस इज़ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ़ स्टडी नॉट ऑफ द लॉ ऑफ वन कंट्री बट ऑफ द जनरल नोशंस ऑफ लॉ इटसेल्फ तो अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे सबसे पहले जूरसप्रूडेंस सिर्फ थ्योरी की तरह है बहुत सारे जी ने अपने टाइम में थ्योरीज कल्केट किया था ये बाकी आई पी सी सी आर पी सी सी पी सी की तरह कोडिफाइड लॉ नहीं है इसमें कोई सेक्शंस या आर्टिकल्स नहीं हैं ये सारे कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है और जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि कंट्रीज़ अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशंस लाकर इसे अपनी कंट्री पे अप्लाई करती है एक और बात यहाँ समझने वाली है कि जूरस सिर्फ कंसेप्ट की बात करता है इसमें कोई लॉ नहीं ये सिर्फ थ्योरी की तरह है जिसे हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है आगे बहुत सारे और वीडियोस आएंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथ ही में अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वन